कालका की आवाज सबसे तेज सबसे आगे। देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए एक नजर आज के समाचार की ओर। शुक्रवार को कालका व्यापार मंडल द्वारा शहर के एक निजी रेस्तरों में एसीपी कालका मुकेश जाखड़ के साथ मीटिंग की गई। व्यापार मंडल के प्रधान अनिल सूद व समस्त व्यापारियों ने एसीपी मुकेश जाखड़ का मीटिंग में पहुंचने पर फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मीटिंग के दौरान व्यापार मंडल द्वारा व्यापारियों को आ रही समस्याओं को एसीपी के समक्ष रखा गया। व्यापार मंडल के प्रधान अनिल सूद ने बताया कि मीटिंग के दौरान एसीपी मुकेश जाखड़ के साथ बाजार में व्यापारियों के पास आने वाले ग्राहकों के चालान न काटे जाएं। कुछ व्यापारियों का व्यापार परमाणु की फैक्ट्रियों पर निर्भर है, जिन्हें परमाणु आने जाना पड़ता है, उन्हें परमाणु आने जाने दिया जाए। कालका गांधी चौक व कमेटी घर मोड से परमाणु चलने वाली टैक्सियों को सुचारू रूप से चलाने का प्रावधान बनाया जाए ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो व्यापारी भाइयों ने यही कहा, एक तो थोड़ी ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक की जाए, दूसरा जो चौकीदार वगैरह हम लगवाएंगे साथ में मिलके, एक दो चोरी की वारदात हुई है जिसमें वो ट्रेस भी होगी चोरी की, मोबाइल चोरी की, और जिनकी इनकी और भी कोई छोटी मोटी समस्या है वो भी दूर करेंगे। दूसरा जो हिमाचल में आने जाने वाली दिक्कत है एवरी शॉप के पर एवरी बिजनेस में, कि एसीपी साहब खुद आए हमारे पास मिलने के लिए और उन्होंने गेट टुगेदर की हम लोगों के साथ और हमारी समस्याओं को सुना। सबसे पहले हमारी व्यापारी भाइयों की कोई जो बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होती, एक छोटी समस्या होती है कि पार्किंग को लेकर समस्या है या चलान को लेकर समस्या है। उन्होंने पूरी एश्योरेंस दिया कि किसी भी गलत तरीके से कोई चलान नहीं होगा, और हमारी पार्किंग की जो हमारी मेन समस्या थी पार्किंग की और ट्रैफिक को लेकर, उन्होंने पूरी एश्योरेंस दी कि हाँ इन सब चीज़ों का मुद्दे को बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा। और जो गांधी चौक से ऊपर का जो हमारा एरिया है वहाँ जो पार्किंग की जो मेन समस्या थी ट्रैफिक की, उसके ऊपर उन्होंने कहा पूरा जोर शोर से, उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे और आने वाले फेस्टिव सीजन को देखते हुए लोगों की जो पार्किंग की समस्या आएगी उसको भी हम किसी न किसी तरीके से सॉल्व करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि हम मंडी के अंदर जो एक खुला एरिया है वहाँ पर लोगों की गाड़ियों को व्यवस्थित तरीके से खड़ी करवाने के लिए हमें पूरा सहयोग देंगे, और हमारा भी पूरा सहयोग पुलिस प्रशासन के साथ रहेगा। किसी भी तरीके का सहयोग चाहेंगे तो व्यापारी भाइयों को पूरा सहयोग रहेगा।